उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में खजूरिया रोड चौड़ीकरण के लिए जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इस दौरान अधिकतर लोगों ने तो खुद ही अपने अवैध अतिक्रमण को हटा लिया, लेकिन खास बात यह रही कि अवैध अतिक्रमण की जद में तहसील लोगढ़ की बाउंड्री और कोतवाली की बाउंड्री और मुख्य गेट भी था, जिसे बुलडोजर से गिराने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों की पुलिस वालों से नोकझोंक हो गई। थाना प्रभारी संतोष कुमार त्रिपाठी तो एसडीएम ललित मिश्रा से कोतवाली की बाउंड्री और गेट गिराने का लिखित आदेश मांगने लगे, जिस पर एडीएम उमाशंकर सिंह ने कहा कि आप अपने अधिकारियों को बता दीजिए कि इसको एडीएम या एसडीएम तुड़वा रहे हैं। जब सभी लोगों का अवैध अतिक्रमण तोड़ा गया तो इसे कैसे रहने दे। इसी बीच आम लोग भी चिल्लाने लगे, जिसके बाद पहले तहसील की नवनिर्मित दीवार को जमींदोज किया गया, थाने की दीवार और मुख्य गेट पर बुलडोजर चलाकर उसे भी गिरा दिया गया।